हम लखीमपुर की तिकुनिया में हैं और कल जो घटना हुई 3 तारीख को तिकुनिया में, उसमें कई लोग गाड़ियों से कुचले गए, किसानों की मौत हुई, उसको लेकर आंदोलन यहाँ पर चल रहा था। अब आंदोलन को लेकर जो मांगे हैं सरकार की तरफ से मांगी गई हैं और किसान लौट रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल एक चश्मदीद भी हैं, साथ ही भुक्तभोगी भी हैं। इनके पैरों पर आप देख सकते हैं पट्टियाँ वगैरह बंधी हुई हैं, डैमेज है। वो बता रहे हैं कि इनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ी थी। क्या हुआ था उस वक्त, आप थे मौके पर? पीछे से सांसद जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है। पीछे सांसद जी की गाड़ियाँ, लड़के की गाड़ियाँ आती हैं, 120 की स्पीड से कुचल के हमें चली जाती हैं, कुचल के चली जाती हैं। जैसे अजय मिश्रा टेनी सांसद जो हैं आपके, वो कह रहे हैं कि उनका लड़का नहीं था। क्या आप लोग उनको देखा यहाँ मौके पर जब निकले, गाड़ियाँ थीं, आप बता रहे इतनी रफ्तार से निकले आप लोग के बीच, क्या देखा आप लोगों ने? हम लोगों ने, दूसरे लोग जो चश्मदीद थे उन्होंने देखा, हम तो गाड़ियाँ चढ़ी गए थे, हम बेहोश हो गए थे 15-20 मिनट के लिए। पीछे से लगी हैं गाड़ियाँ, हम पे चढ़ी हैं, कुछ लोगों ने देखा थे वो उनके लड़के। आपके साथी और कितने लोग अभी तक? 15-20 लोग और घायल हुए हैं, और 4 लोग शहीद हो गए हैं हमारे। 4 लोग शहीद हुए हैं, कौन लोग हैं वो? 5 लोग शहीद हुए हैं। पत्रकार हाँ जी। अभी तक उनके, उनके बारे में बता सकते हैं कौन लोग हैं, परिवार के बारे में उनके, जो लोग खत्म हुए हैं, शहीद हुए हैं? मोबाइल डाउन हो गया, उनके नाम सबके लिखे थे हमने जी। तो आपका इलाज कहाँ कराया गया? आप इलाज घर ही पे, लड़के जो साथ में थे उन्होंने छोड़ आए थे ना, लाद के शाम को हम लोग बलिया छोड़ आए थे। अभी लौटे हैं आप? हाँ लौटे। तो अभी वापस लौट रहे हैं, क्या बातचीत? दो मरीज अभी बलिया पड़े हैं हमारे, अभी वापस आप लोग लौट रहे हैं, क्या बातचीत थी प्रशासन में? क्या बातचीत? क्या नाम है आपका? सुनील बालियान भारतीय, जिला शामली से आया हूँ। देखिए, प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है, वो जो मृतक व्यक्ति है उनको 45 लाख रुपए देने की घोषणा की है, और 302 का मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला है, जो उसका सांसद जी का लड़का है, और उस पर उचित कार्रवाई करने की बात कही, और जो घायल है उनको भी 10-10 लाख रुपए देने का जो है घोषणा की है। लेकिन इस सरकार का जो मंसूबा है वो कल हमें पता चल गया कि, क्योंकि ये जो गोडसे के पुजारी है, इन्होंने गांधी को भी मारा था, और ये जो किसान आज गांधी के विचारों पर चलकर आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने वही गोडसे वाली नीति अपनाई और इस आंदोलन को कल फिर कुचलने का प्रयास किया। ऐसे ही 28 जनवरी को प्रशासन वालों ने प्रयास किया था गाजीपुर बॉर्डर पर, और ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। और ये सरकार इतनी घमंडी सरकार हो चुकी है कि हमारे 750 किसानों की शहादत जा चुकी है, और इस सरकार के जूं तक नहीं रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरे देश का, ये लोकतंत्र की हत्या है। इन्होंने जो संविधान है उसको सूली पर टांग रखा है। अब जहाँ किसान बोलता है, ये कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि ये चाह क्या रही है सरकार। फिलहाल आपकी जो मांगे हैं मानी हैं, आप लोग वापस जा रहे हैं? हमारी मांगे जो मानी गई है, और अभी यहाँ से जो लोग हैं आदेश दिए हैं कि अब आपकी मांगे मांग ली गई हैं, लेकिन अभी निश्चित नहीं किया पूरा। डेड बॉडीज जो थी उनको फिलहाल ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए जी, अभी कोई निश्चित नहीं किया है कि हमारे को, खाली सरदार ने एक दिया है जी, हौसला दिया है खाली के हमारे आदमी के लेके गए हैं। क्योंकि आप पीड़ित हैं, कल आप साथ घटना हुई, आप पैर कुचले भी गए, उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, क्या हुआ, थोड़ा घटनाक्रम बता पाएंगे? काफ़ी लोग मौजूद थे, हम लोग तेजेंद्र विर्क के साथ, हजारों की संख्या में तेजेंद्र विर्क के साथ में थे हम। तेजेंद्र विर्क आपके नेता यहाँ के? हाँ, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, हमारे तराई के, तो उनके साथ जा रहे थे। पीछे से बहुत सी स्पीड से गाड़ियाँ आती, चढ़े कुचल के चली जाती है। उन लोगों का आरोप है, सांसद की तरफ से आरोप है कि उनके ऊपर पथराव किया गया, उसके बाद वो कोई पथराव नहीं हुआ है, बिल्कुल शांतिपूर्ण से, सब शांति से काले झंडे दिखा रहे थे, लेकिन पूरा पीछे से गाड़ी बनवीरपुर तरफ से आई है, 4 गाड़ी आई थी, चारों गाड़ी कुचलती हुई चली गई, किसी को कुछ मालूम नहीं चला है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर जाके जो हमारे जितने किसान थे उन लोगों ने डेड बॉडियां उठानी चालू की, जो घायल थे उन लोगों को जगह जगह पहुंचाया, लेकिन इतनी रफ्तार से कि प्रशासन के ऊपर, प्रशासन पीछे हट गया, सामने प्रशासन के हुआ सब कुछ हुआ। गोली चलने की बात है, वो कितनी सही है, गोली चलाई है? गोली तो बहुत चली है, मालूम नहीं है कितने आदमियों ने चलाई है, कितनी चली उधर से गाड़ियों, जो चारों गाड़ियां थी चारों गाड़ियों से ही गोली चली है। जो नौजवान है उसको तो सिर में सटा के मारी गई है गोली, जो नौजवान साथी है जो मरा है उसके यहाँ सटा के गोली मारी गई है, तो लोगों ने उसको, सबसे बड़ी बात एक और है, हमारे पास वीडियो भी है, अभी यहाँ नेट बंद है, वो भेजा जाएगा प्रशासन को, क्योंकि कल जब यहाँ से अनाउंसमेंट किया गया था ट्रॉली से, जिस व्यक्ति को किसानों ने सुरक्षित पकड़ करके पुलिस प्रशासन को दिया, उसकी भी लाश जंगल से मिल रही है, इसका क्या मतलब है?
जब किसानों ने कैमरे के सामने यहाँ खड़ा होकर के कह दिया, किसी किसान ने किसी को हाथ नहीं लगाया, गाड़ी पलटी उसके नीचे दब गए, लेकिन जो लोग वीडियो तो आया था जिसमें एक आदमी को पीटा जा रहा था, देखिए वो जनता की भीड़ में एक दो बार खींच खाँच के लाएंगे, पीटने का तो मतलब ही नहीं है, बल्कि यहाँ से भी अनाउंस कर देगा कोई नहीं मारेगा, लेकिन जब पुलिस को दे दिया गया, पुलिस को सुपुर्द कर दिया भाई ये दो व्यक्ति तुम्हारे हाथ में है और उसमें से एक आदमी की लाश जंगल से मिलती है, तो इसका मतलब क्या है, समझ सकते हैं, पूरे देशवासी समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, फिलहाल किसान तुकनिया से लौट रहे हैं, हालांकि वो आश्वस्त सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, मगर उतने आश्वस्त दिखते नहीं हैं, उनको अभी भी आशंकाएं हैं, मगर फिलहाल किसान यहां से लौट रहे हैं। आगे इस घटनाक्रम में क्या जुड़ाव होते हैं, डेड बॉडीज़ ले जाई गई हैं पोस्टमार्टम के लिए, लोगों ने बताया कि फिलहाल उनकी जो मांगे हैं त्वरित, राकेश टिकैत ने बताया, मांगी गई हैं, आगे जो अपडेट्स आते हैं वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप, मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ मिथिलेश हैं।